आइए आप चैप्टर थ्री में एग्जाम्पल 15 सॉल्व करते हैं। पहले इस एग्जाम्पल को समझते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें पी की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए इन पेयर ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन यूनिक होगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हेयर a1 इज इक्वल टू 4, a2 इज इक्वल टू 2। हम जानते हैं कि a1 x का कोएफिशिएंट होता है और a2 भी x का कोएफिशिएंट होता है। b1 y का कोएफिशिएंट होता है इज इक्वल टू p, b2 इज इक्वल टू 2, c1 इज इक्वल टू 8, c2 इज इक्वल टू 2। नाउ फॉर द गिवन पेयर टू हैव ए यूनिक सॉल्यूशन दैट इज a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। हम जानते हैं कि अगर a1 अपॉन a2 अगर नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2 के तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन यूनिक होगा। 4 अपॉन 2 इज नॉट इक्वल टू p अपॉन 2, 2 कैंसिल, p इज नॉट इक्वल टू 4। देयरफॉर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ p एक्सेप्ट 4 द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। अतः p की वैल्यू 4 को छोड़ के बाकी हर वैल्यू के लिए ये इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन देगा।